हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी का जो होस्ट होता है पी, यानी पाइजम सटाइवम। इसका बॉटनिकल नेम है पी का। इसका पैथोजन होता है पेरेनोस्पोरा पीसी। दिस डिजीज सॉज वाइड स्प्रीड अक्रेंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। ये जो है डिजीज़ जो है नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जो है इसकी बहुत वाइड स्प्रेड में बहुत तेज़ी से फैलता है, बहुत विस्तार में है। इन इंडिया इट इज़ इविडेंट कॉमनली इन गैंगेटिक प्लेन्स, दो रिपोर्टेड फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री आल्सो। इंडिया में जो है ये मेनली गंगेटिक प्लेन्स में ये रिपोर्ट किया गया है डिजीज़। उसके अलावा कंट्री के और सभी पार्ट्स में भी इसको जो है इस डिजीज़ को रिपोर्ट किया गया है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट डाउनी मिल्ड्यू डिजीज डज नॉट काज एनी सिग्निफिकेंट डैमेज टू पी क्रॉप। जहाँ तक कि इसका एस्टिमेशन है कि डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ के द्वारा इसके डिजीज़ के कॉज होने से पी क्रॉप को जो है बहुत ज़्यादा इससे इन्फेक्शन या बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता है। पी क्रॉप जो होती है उसको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होता, तो ये डिजीज़ जो होता है सिग्निफिकेंटली डैमेज नहीं करता है। बट ये जो है डिजीज़ वाइड स्प्रीड में जो है फैलता है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी। डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ का जो सिम्टम्स होते हैं जिसके आधार पर हम इसको पहचान सकते हैं कि ये डाउनी मिल्ड्यू डिजीज़ है, चूँकि ये पी की जो डाउनी मिल्ड्यू वाइड स्प्रीड में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और गंगेटिक प्लेन्स या फिर जो सिंधु गंगा के मैदानी क्षेत्रों में जो है उत्पन्न होता है। इंडिया के अन्य पार्ट में जो है यह डिजीज कभी कभी ही मिलता है, ज़्यादातर ये गंगेटिक प्लेन्स में ही ये डिजीज़ इंडिया में पाया जाता देखा गया है। सिम्टम्स आर इविडेंट ऑन लीव्स, स्टेम एंड पॉड्स। इसमें जो सिम्टम्स आते हैं लीव्स पर, स्टेम्स पर और पॉड्स पर दिखाई देते हैं। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं, द इन्फेक्शन अकर्स वेरी अर्ली इन द ग्रोइंग सीजन एंड द सिम्टम्स अपीयर जनरली एट द टाइम थर्ड एंड फोर्थ लीव्स डेवलप ऑन द यंग प्लांट्स। इसका जो सिम्टम्स दिखाई देता है प्लांट की ग्रोइंग स्टेज में, बहुत अर्ली स्टेज में दिखाई देता है, और जब थर्ड या फोर्थ लीव्स का डेवलप होना स्टार्ट ही होता है, शुरू ही हुआ रहता है, उस समय पर ये डिजीज दिखाई देता है सिम्टम के रूप में। फर्स्ट येलो और ब्राउन स्कैटर्ड पैचेज अपीयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड लीव्स एंड स्टिप्यूल्स एंड देन ग्रेइश वायलेट। डाउनी ग्रोथ ऑफ द पैथोजन कैन बी सीन जस्ट अपोजिट ऑन द लोअर सरफेस। इसमें जो प्लांट की ग्रोइंग स्टेज में जबकि थर्ड या फोर्थ लीव्स का आना स्टार्ट ही होता है, उसी समय ये डिजीज़ कॉज हो जाती है। तो उस समय जो लीव्स होती हैं, क्योंकि ये सिम्टम जो होता है इसके लीव्स पर, स्टेम पर, पॉट पर, सभी जगह पर पड़ता है, सभी पार्ट्स पर पड़ता है जो एरियल पार्ट होते हैं। और इसमें जो होता है पहली जो दिखना सिम्टम स्टार्ट होता है शुरू में जो होता है, जो अपर सरफेस होती है लीव की उस पर जो है स्कैटर्ड येलो या ब्राउन कलर के पैचेज दिखाई देना ऊपर शुरू होते हैं, और लीफ के जो इनर सरफेस होती है, और लीव्स ही नहीं लीव्स के साथ उसके स्टिप्यूल्स वगैरह पर भी ये सिम्टम दिखाई देते हैं। और जो अपोजिट सरफेस होता है अपर सरफेस का, यानी लोअर सरफेस पर जो है पैथोजन की ड्राउनी ग्रोथ, यानी कि ग्रेइश वायलेट कलर की ग्रोथ दिखाई देती है। अपर सरफेस पर इन्फेक्शन होता है और नीचे चूँकि ग्रोथ करता है इसलिए डाउनी ग्रोथ कहते हैं इसको। तो डाउन यानी कि लोअर सरफेस पर जो है ग्रेइश वायलेट कलर की डाउनी ग्रोथ दिखाई देती है। इन्फेक्टेड स्टेम्स बिकम डिस्टॉर्टेड एंड सो रिड्यूस्ड ग्रोथ रिजल्टिंग इन द सबसिक्वेंट स्टंटिंग ऑफ द इंटायर प्लांट्स। यानी जो स्टेम्स होती हैं, स्टेम्स जो होती हैं इनकी, इन्फेक्टेड स्टेम्स, वो डिस्टॉर्टेड हो जाती हैं यानी विकृत रूप को ले लेती हैं, और ग्रोथ जो होती है इसकी रिड्यूस्ड हो जाती है, ग्रोथ इसकी कम हो जाती हैं।
इसलिए जो होता है पूरा का पूरा प्लांट ही जो है स्टंटेड दिखाई देता है, यानी जिसकी ग्रोथ जो है पूरी तरह से प्लांट की रुक जाती है। सिम्टम्स आर फर्स्ट नोटिस्ड ऑन पॉड्स व्हेन दे आर ग्रीन एंड फ्लैट। जो सिम्टम्स पॉड पर दिखाई देता है, तो पॉड पर जो पहला सिम्टम दिखाई देता है वहाँ पर पॉड जो होता है ग्रीन कलर का होता है और एकदम फ्लैट होता है। बाद में जो होता है ये दे आर इन द फॉर्म ऑफ पेल ग्रीन मोर और लेस एलिप्टिकल टू इरेगुलर इलोंगेटेड लेसन्स मोस्टली कन्फाइंड अलोंग द डार्सल सेचर्स ऑफ द पॉड्स। जो लेटर स्टेजेज होती हैं उसमें जो होता है, क्योंकि शुरू में जो पॉड पर इन्फेक्शन दिखाई देता है तो पॉड पहले एकदम ग्रीन कलर की दिखाई देती है और एकदम फ्लैट दिखाई देती है। बाद में जो होता है ये पेल येलो ग्रीन कलर में दिखाई देती हैं और इस पर जो स्पॉटेड एरिया दिखाई देता है वो इलेप्टिकल और इरेगुलर होता है, इलोंगेटेड लेसन्स फॉर्म में दिखाई देता है जैसे उस पर घाव हो गया हो, और डॉर्सल स्ट्रक्चर स्पॉट्स का जो होता है वहाँ पर ये इन्फेक्शन क्लियर दिखाई देता है, जहाँ पर डिजीज्ड रीजन होता है वो जो है एकदम इलोंगेटेड और इलेप्टिकल इरेगुलर लेसन्स वहाँ पर दिखाई देते हैं डॉर्सल स्ट्रक्चर पर पॉड्स के। और लेटर स्टेजेज में पॉड का जो कलर होता है वो लाइट से डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। जो पेल ग्रीन या ग्रीन कलर का होता है वो फिर बाद में जा करके लाइट से लेकर के डार्क ग्रीन ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, चाहे लाइट ब्राउन हो जाए या फिर लास्ट में एकदम जब लेटर स्टेजेज में ये डिजीज एकदम पूरी तरह से अपनी चरम पर होता है तो जो है डार्क ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। सीड्स लेइंग करिस्पॉन्डिंग टू द सिम्टम्स ऑन द पॉड्स एबॉर्ट एंड बिकम वेरी मच अंडरसाइज्ड। जब पॉड की शुरुआती यानी कि एकदम ग्रो होने वाली होती पॉड, उसी समय जब अगर इन्फेक्शन लग जाता है तो इसमें पॉड्स में इन्फेक्शन जब आता है तो उसकी जो शुरुआती स्टेज में, चूँकि जब अर्ली स्टेज में होता है पॉड्स का ग्रोथ, तो उस समय जो होता है सीड पड़ते ही नहीं है। अगर पॉड्स में थोड़ा सा डेवलपमेंट होने लगता है उस समय जब इन्फेक्शन कॉज होता है, तो उस समय जो होते हैं सीड्स जो होते हैं वो पॉड से बिल्कुल एवर्ट हो जाते हैं और बिकम वेरी मच अंडरसाइज्ड, बहुत छोटे रह जाते हैं, एकदम नाम मात्र के सीड्स उसमें पड़ते हैं। और लीव्स जो होती हैं इन्फेक्टेड होती हैं पॉड्स की अपेक्षा में, जो ज़्यादा तेज़ी से लीव्स इसमें इन्फेक्टेड होती हैं। पॉड्स में दाने पड़ते ही नहीं हैं, अगर दाने पड़ते हैं तो बहुत ही साइज में रिड्यूस्ड हो जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स जो होते हैं मेनली एक बार फिर से डिस्क्राइब कर देते हैं। जो इस प्लांट्स को देखिए, इसमें सिम्टम्स क्लियर दिखाई दे रहा है। डिजीज सिम्टम्स प्लांट ग्रोथ की अर्ली स्टेज में जब तीसरी या फोर्थ लीव्स निकलती है तभी दिखाई देने लगता है। प्लांट्स के सभी ऑर्गन यानी कि स्टेम लीफ पॉड एंड सीड इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इन्फेक्शन का पता तब चलता है जब लीफ के अपर सरफेस पर येलोइस ब्राउन कलर के स्पॉट ग्रेज दिखाई देने लगते हैं, येलोइस ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ जाते हैं। इसके साथ ही जो लोअर सरफेस होता है उस पर ग्रेइस वायलेट कलर का डाउनी ग्रोथ, पूरी ग्रोथ से डाउनी ग्रोथ से लीफ की और लोअर सरफेस जो होती पूरी कवर हो जाती है। यदि यंग स्टेज में स्टेम इन्फेक्टेड होता है तो स्टेम की ग्रोथ जो होती है पूरी तरह से रुक जाती है, स्टंटेड हो जाती है, यहाँ तक कि जो प्लांट होता है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, यानी ठूठा दिखाई देने लगता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ठूठ, यानी कि स्टंटिंग पूरे इंटायर प्लांट की हो जाती है, यानी प्लांट जो होता है बहुत छोटा रह जाता है, उसकी ग्रोथ जो होती है डेवलप नहीं हो पाती, ग्रोथ होने ही नहीं पाती है। डिजीज जब पॉड्स को भी इन्फेक्ट कर देता है तो लाइट ग्रीन कलर का यानी पेल ग्रीन कलर का इलेप्टिकल से ले करके इरेगुलर तक के इलोंगेटेड लेसन्स इस पर मोस्टली पॉड के ऊपर डॉर्सल सरफेस पर दिखाई देते हैं, पॉड के डॉर्सल सरफेस पर इलोंगेटेड और टू इलेप्टिकल जो होते हैं लेसन्स इरेगुलर शेप में दिखाई देते हैं। और लेटर स्टेजेज में क्या होते हैं कि ये जो पेल ग्रीन कलर के लेसन्स दिखाई देते हैं इनका कलर जो होता है डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन कलर का हो जाता है,
इन्फेक्टेड पॉड के बीच में जो इन्फेक्टेड टिश्यू से सटे हुए सीड्स होते हैं, सीड्स में जो होता है डॉर्फिंग होती है, यानी कि सीड्स जो होते हैं बहुत छोटे रह जाते हैं, सिवल्ड रहते हैं और बहुत ही एकदम चिपके हुए रहते हैं, यानी कि स्पीड्स में जो होता है सीड्स में सटे हुए जो इन्फेक्टेड टिश्यू से सटे हुए सीड्स होते हैं उनमें फटन एकदम ड्वार्फिंग और एकदम छोटी सी रह जाती है, यानी कि सीड की ग्रोथ नहीं होने पाती है, एकदम सीड का पॉड जो होता है एकदम फ्लैट और लास्ट की स्टेज में डार्क ब्राउन कलर का स्पॉटेड एरिया दिखाई देने लगता है। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं जो कि इसके प्लांट के स्टेम पर, लीफ पर और पॉड पर दिखाई देते हैं। इसके बाद आते हैं इसके कॉजल ऑर्गेनिज्म। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो होता है पेरेनोस्पोरा पीसी है, जो कि सिड एमंड कैंपबेल ने इसको डिस्क्राइब किया था। तो इसको पेरेनोस्पोरा पीसी सिड एमंड कैंपबेल भी कहा जाता है। ये फंगस जो होता है पेरेनोस्पोरा पीसी, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है और कई होस्ट पर रहने में कैपबिल होता है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है कि केवल लिविंग होस्ट पर ही केवल सरवाइव कर सकता है। तो ये फंगस चूँकि बहुत सारे होस्ट पर रहने के लिए कैपबिल होता है, जैसे बीसिया है, लेथाइरस है, उनमें भी ये अपने होस्ट बना लेता है पेरेनोस्पोरा पीसी। इसका जो क्लासिफिकेशन होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म का, पैथोजन का, किंगडम माइकोटा, चूँकि फंगस होता है, डिवीजन यू माइकोटा, ट्रू फंजाई होता है, क्लास ऊमाई सिटीज, यानी कि इसका जो है इसमें ऊगैमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ऑर्डर जो है पेरेनोस्पोरेल्स होता है, ऑर्डर पेरेनोस्पोरेल्स, इसमें हॉस्टोरिया जो होते हैं फिंगर शेप के भी होते हैं और क्लब शेप के भी पाए जाते हैं। फैमिली पेरेनोस्पोरेसी में यहाँ पर जो कोनिडियोफोर से कोनिडिया डेवलप होते हैं वो स्टिगमेटा के थ्रू डेवलप होते हैं। जीनस पेरेनोस्पोरा होता है और स्पीसीज इसका पीसी है। तो इस पेरेनोस्पोरा पीसी जो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, कई होस्ट पर रहने में कैपबिल होता है, जैसे कि वीशिया एंड लेथाइरस में। फंगस का जो प्लांट बॉडी या माइसीलियम जिसे हम कहते हैं, तो इसका माइसीलियम जो होता है सीनोसिटिक होता है। माइसीलियम सीनोसिटिक होता है, सीनोसिटिक का मतलब होता है कि असेप्टेट होता है, यानी सेप्टा नहीं होता है, और उसमें जो होता है असेप्टेट होता है और उसके साथ साथ जो होता है उसमें मल्टी न्यूक्लिएट होता है। तो इसलिए असेप्टेट और मल्टी न्यूक्लिएट माइसीलियम को हम लोग सीनोसिटिक कहते हैं। और माइसीलियम इसका हाइलाइन होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होता है, इंटरसेलुलर माइसीलियम के थ्रू जो होता है रिप्रेजेंट होता है, यानी कि इसका माइसीलियम जो होता है वो सीनोसिटिक, हाइलाइन, प्रोफ्यूजली ब्रांच, इंटरसेलुलर माइसीलियम के थ्रू जो होता है रिप्रेजेंट होता है। और इसमें जो होता है इंटरसेलुलर जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पर ये ब्रांच्ड फिंगर शेप्ड हॉस्टोरिया होस्ट के सेल के अंदर एंटर कराता है। जो ये फिंगर शेप्ड हॉस्टोरिया यहाँ पर डेवलप होते हैं और इसको जो होता है ये होस्ट में, तो इसमें जो हॉस्टोरिया होते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में फिंगर शेप्ड हॉस्टोरिया जो है होस्ट सेल के अंदर एंटर कराता है। दे कलेक्ट द एयर स्पेसेस बेनिथ द स्टोमेटा एंड गिव्स राइज टू कोनिडियोफोर्स इमर्जिंग आउट थ्रू स्टोमेटा इन क्लस्टर। ये जो होते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस में इसका माइसीलियम जो है पहुंच करके वहां पर जो होते हैं एयर स्पेसेस जो बनाते हैं उसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू जो होता है यहां पर ये कोनिडियोफोर डेवलप करता है और कोनिडियोफोर स्टोमेटा से जो होते हैं ब्रांच में जो कि क्लस्टर में निकलते हैं कोनिडियोफोर, और कोनिडियोफोर्स जो होते हैं ब्रांचिंग होती है कोनिडियोफोर क्लस्टर में वहाँ पर ग्रो करते हैं। कोनिडियोफोर जो होते हैं अनब्रांच्ड फॉर अबाउट 2/3 या मोर दियर लेंथ एंड डाइकोटोमोसली ब्रांच्ड यानी 2 से लेकर 10 टाइम्स एट दियर टिप्स।
शुरू में जो होते हैं कोनिडियोफोर्स जो होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं, लेकिन बाद में जो होते हैं डाइकोटोनामस यानी कि दो दो उसमें ये डिवाइड हो जाते हैं, और इनके टिप पर स्ट्रिगमेटा के थ्रू जो होते हैं यहाँ पर कोनिडिया बियर करते हैं। तो और ये ब्रांच्ड कोनिडियोफोर जो होता है ये लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और पॉइंटेड जो होता है पॉइंटेड होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पॉइंटेड एंड आर कॉल्ड स्ट्रिगमेटा। जो इसके पॉइंटेड एंड होता है डाइकोटोनामस ब्रांचिंग का, चूँकि शुरू में कोनिडियोफोर अनब्रांच्ड होता है, बाद में दो दो उसमें डिवाइड हो जाता है, तो ये कोनिडियोफोर के टिप पर जो पॉइंटेड पार्ट होता है ये कहलाता है स्ट्रिगमेटा। तो स्ट्रिगमेटा के टिप पर जो होते हैं ये सिंगल कोनिडियम एक उसमें बियर होते हैं। ये सिंगल कोनिडियम इज प्रोड्यूस्ड एट द टिप ऑफ ईच स्ट्रिग्मा, स्ट्रिग्मा या स्ट्रिगमेटा जिसको कहते हैं। द कोनिडिया आर ओबल, ये जो कोनिडिया होते हैं ओबल टू इलेप्टिकल यानी कि नैरोड इन लिटिल विलो एंड लाइट येलो इन कलर। ये जो कोनिडिया होते हैं ओवल शेप में होते हैं या इलेप्टिकल शेप में भी होते हैं और लाइट येलो कलर के होते हैं, और कोनिडियोफोर जो होता है डिटर्मिनेट ग्रोथ जो होती है उसमें होती है। कोनिडिया जो होते हैं प्रोड्यूस्ड होते हैं अबाउ ऑलमोस्ट एट द टाइम ऑफ स्टिग्मेटा ऑफ ईच कोनिडियोफोर एंड दे फॉल ऑफ सिमल्टेनियसली। कोनिडिया इसके टिप पर कोनिडियोफोर के टिप पर एक पतली सी पॉइंटेड स्टिग्मेटा के थ्रू बियर होते हैं, और एक स्टिग्मेटा पर एक ही कोनिडिया बियर करते हैं, और कुछ समय के बाद ये कोनिडिया जो कि ओवल टू इलेप्टिकल शेप के होते हैं और लाइट येलो कलर के होते हैं वहाँ से जो होते हैं फॉल ऑफ होते हैं, यानी कि वहाँ से स्टिग्मेटा से अलग हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये कोनिडिया जो होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं और जर्मिनेट रेडली बाई जर्म ट्यूब। ये कोनिडिया जो हैं जर्म ट्यूब बना करके फिर जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं। चूँकि फंगस की जो एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन होती है, व्हेन द फंगस मूव्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन, प्लांट की ग्रोइंग की सीजन के लास्ट स्टेज में, इट्स हाइफी मूव डीप इंटू द होस्ट टिश्यू इंटर स्पेसेस वेयर दे प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स एंथीडिया एंड उगोनिया इन क्लोज प्रॉक्सीमिटी। जब लास्ट स्टेज में ये उगोनिया जो होते हैं, उगोनिया और एंथीडिया जो कि लास्ट स्टेज में हाइफल ब्रांच से जो होते हैं, मेल ब्रांच से एंथीडिया और फीमेल ब्रांच से उगोनिया डेवलप होते हैं एक दूसरे के एकदम पास पास, फिर फर्टिलाइजेशन जो होता है इनमें फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू होता है, जैसे कि हमने ग्रीन ईयर डिजीज में बताया था। फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू होता है जिसके द्वारा जो थिक वाल्ड ग्रीनिश येलो वार्टीउ स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, और ये जो होते हैं एट द रेट ऑफ वन इन ईच उगोनियम, एक उगोनियम से जो होते हैं एक स्पोर कई स्पोर्स डेवलप होते हैं। तो इसके जो पैथोजन होता है, इसके जो असेक्सुअल और सेक्सुअल जो साइकिल चलती है उससे जो होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडियोफोर जो कि माइसीलियम सिनोसिटिक ब्रांच्ड होती है और हाइलाइन होती है, उससे जो होता है कोनिडियोफोर डेवलप होते हैं। कोनिडियोफोर क्लस्टर में स्टोमेटा के थ्रू बाहर आते हैं, और कोनिडियोफोर शुरू में अनब्रांच्ड होती है और बाद में जा करके ये जो होती हैं डाइकोटोनामस दो दो ब्रांचेज में डिवाइड होती हैं, जिसकी टिप जो होती पॉइंटेड होती है, पॉइंटेड टिप कहलाती है स्टिग्मेटा, जिसके टिप पर जो है कोनिडिया बियर होते, कोनिडिया ओवल टू इलेप्टिकल शेप के होते हैं और येलो इस कलर के पाए जाते हैं, और ये जो होते हैं जर्म ट्यूब बना के जर्मिनेशन करते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फीमेल हाइफा से उगोनियम तथा मेल हाइफा से एंथीडियम बियर होते हैं जो कि क्लोज प्रॉक्सिमिटी पर ग्रो करते हैं, और फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन करके उसके बाद जो होते हैं मियोसिस के बाद ऊ स्पोर डेवलप करते हैं। ये ऊ स्पोर्स जो होते हैं थिक वाल्ड होते हैं, ग्रेस येलो कलर के होते हैं, वार्टी ऊ स्पोर डेवलप होते हैं। तो ये कोनिडियोफोर के बारे में इंफॉर्मेशन है, चूँकि हाइलाइन हाइफी हाईली मच ब्रांच्ड होकर के इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैल जाती है। इसमें जो ब्रांच्ड होती हैं फिंगर लाइक हास्टोरिया डेवलप होती हैं होस्ट टिश्यू में अंदर एंटर करके हाइफी के लिए न्यूट्रिशन
प्राप्त करती हैं। माइसीलियम में जो होती हैं लॉन्ग और थिन कोनिडियोफोर रहते हैं, जो कि स्टोमेटा के थ्रू जो होता है क्लस्टर में निकलते हैं। कोनिडियोफोर का एक स्पेशल जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लक्षण होता है, वो होता है कि इसकी ग्रोथ जो होती है लिमिटेड होती है, यानी 1.3 से 1.3 मिलीमीटर तक इसकी ग्रोथ होती है। फिर जो है ग्रोथ रुक जाती है, उनमें जो है कोनिडियम बियर होते हैं। और कोनिडियोफोर की लोअर 2/3 पार्ट जो होता है ब्रांच नहीं होती है, जो कि एक्यूट एंगल्स पर फिर जो होती 2 से लेकर 7 तक ब्रांचेज जो है पाई जाती हैं। लास्ट ब्रांच में जिन्हें कि स्टिगमेटा कहते हैं, ये एकदम मुड़ी हुई सी और पॉइंटेड टिप पर थिन होती हैं और इसके ऊपर कोनिडिया बॉर्न होते हैं। कोनिडिया एक साथ सब पर उत्पन्न होते हैं और इनकी एज भी लगभग एक जैसी होती है। उनकी शेप जो होती है स्फेरिकल, ओवल या इलेप्टिकल होती है कोनिडिया की। कोनिडिया का कलर जो है लाइट येलो से लेकर के लाइट येलो कलर के होते हैं और उनका वायलेट या रेडिश ब्लू भी दिखाई देते हैं। इनकी जो लाइफ होती है कोनिडियम की वो बहुत ही शॉर्ट होती है और ये डेसीडुअस यानी कि बहुत जल्दी वहाँ से फॉल ऑफ हो जाते हैं और एयर के थ्रू जो होता है डिससेमिनेट होते हैं। ग्रोइंग सीजन के लास्ट स्टेज में जो होता है वो स्पोर एकदम पुरानी ओल्ड स्टेज में पड़ी हुई कुमलाई हुई लीफ की जो डिजीज के भीतर जो पॉड टिश्यूज के भीतर या फिर पॉड्स के डिजीज में बॉर्न होते हैं, तो वो स्पोर्स का कलर जो होता है ग्रीनिश येलो होता है और जो होते हैं स्फेरिकल शेप में होते हैं। ये लार्ज थिन वाल लीफ लार्ज थिन वाल वाली उगोनियम से जो है एक की संख्या में जो होते प्रेजेंट होते हैं, एक उगोनियम से एक ही स्पोर डेवलप होता है। उगोनियम जो है जब पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, उगोनियम की 3 लेयर होती है जिससे कि वो स्पोर्स की 3 लेयर होती है। आउटर ईपी स्पोर थिक उभरी हुई होती है और उसके बाद जो होती है इसमें जो होती है प्री डिस्पोजिंग कंडीशन इसके जो सॉरी वो स्पोर्स जो होती है थिक वाल्ड होती है 3 लेयर की बनी हुई होती है। ये वो स्पोर्स भी जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेट होते हैं और जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है, फेवरेबल होस्ट नहीं मिलता है, तब तक ये रेस्टिंग पीरियड में इसी फॉर्म में पड़ा रहता है। इसके बाद आते हैं इसकी डिजीज साइकिल पर। डिजीज साइकिल पहला है डिजीज साइकिल में पेरिनेशन यानी पैथोजन का सर्वाइवल पीरियड। पैथोजन जो होता है पेरिनेट्स इन द सॉयल थ्रू वो स्पोर्स, पैथोजन जो होता है सॉयल में जो होता है वो स्पोर के थ्रू सर्वाइव करता है। विच आर बॉट देयर विन एलॉन्ग विद इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीजेज द पॉसिबिलिटीज ऑफ कैरिंग पैथोजन इनोकुलम बाई सीड्स। इनोकुलम मीन्स माइसीलियम या वो स्पोर्स हो सकते हैं। इनोकुलम मीन्स होता है कि पैथोजन का कोई भी वो पार्ट जो कि डिजीज कॉज करने में कैपेबल हो। बाई सीड्स ऑफ इन्फेक्टेड पॉड्स एंड दियर रोल इन पेरिनेशन थ्रू दो ऑफ बट हैज़ नॉट येट बिन डेफिनेटली प्रूव्ड। यानी कि जो पैथोजन का पेरिनेशन होता है वो सॉयल में वो स्पोर के द्वारा होता है जो कि इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रीजेज में पड़ा रहता है। तो मेन पॉसिबिलिटी ये होती है कि जो पैथोजन का इनोकुलम माइसीलियम या फिर वो स्पोर्स होते हैं वो जो हैं सीड्स के द्वारा यानी जो पॉड्स के अंदर सीड्स होते हैं उनके द्वारा वो पेरिनेशन करते हैं, लेकिन इसके बारे में कोई डेफिनेटली जो है कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। फर्स्ट आते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन पर। तो प्राइमरी इन्फेक्शन चूँकि वो स्पोर जो पेरिनेशन में रहते हैं वो सॉयल में जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेट होते हैं, यानी द वो स्पोर्स पेरिनेटिंग इन सॉयल जर्मिनेट बाई जर्म ट्यूब एट द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशन। यानी जो स्पोर पेरिनेशन में प्लांट डिब्रीजेज में या लीफ्स डिजीज लीफ में पड़े हुए रहते हैं या पॉड के अंदर सीड के फॉर्म में पड़े रहते हैं वहाँ सीड के अंदर पड़े रहते हैं, जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलता है और होस्ट मिलता है तो ये वो स्पोर जो है जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और जर्म ट्यूब
बनाते हैं, जर्म ट्यूब बना करके इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं। द जर्म ट्यूब इन्फेक्ट्स अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ यंग सिडलिंग्स एंड द पैथोजन प्रोग्रेसेस अपवर्ड सिस्टमैटिकली काजिंग प्राइमरी इन्फेक्शन विच इज मैनिफेस्ट बाई सिम्टम्स डेवलपिंग ऑन द थर्ड एंड फोर्थ लीव्स ऑफ द यंग प्लांट। द प्राइमरी इन्फेक्शन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कोनीडिया ऑन इन्फेक्टेड लीव्स। तो जो प्राइमरी इन्फेक्शन होता है वो मेनली जो होता है पेरिनेशन में पड़े हुए वू स्पोर्स के थ्रू होता है। जब वू स्पोर्स जो होते हैं इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है और नया होस्ट मिलता है तब ये जो होता है जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, और जर्मिनेशन स्टार्ट करके जो होते हैं ये होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। यानी कि जो इसकी सिडलिंग्स यंग की सिडलिंग की स्टेज होती है जब थर्ड या फोर्थ लीव्स आनी स्टार्ट होती उसी समय ये जो है पैथोजन उसके इन्फेक्ट करता है अंडरग्राउंड पार्ट्स पर, यानी कि यंग सिडलिंग्स वगैरह पर इन्फेक्शन करता है। और उसके बाद जो होता है सिस्टमेटिकली जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती है सिस्टमेटिकली सेल बाय सेल पूरे प्लांट को इन्फेक्टेड कर देता है, जिससे कि पैथो जो होस्ट होता है उसके ऊपर सिम्टम्स जो है डिजीज मैनिफेस्ट होता है और सिम्टम्स जो होते हैं डेवलप हो जाते हैं। जबकि यंग प्लांट होता है और थर्ड और फोर्थ लीव्स आनी स्टार्ट होती है। तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जो होता है जब कॉज हो जाता है सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं तो वो असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करके कोनीडिया प्रोड्यूस करते हैं इन्फेक्टेड लीव्स पर। ये है इसका प्राइमरी इन्फेक्शन। इसके बाद सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल्स। सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल चूँकि कोनीडिया के थ्रू होता है, चूँकि प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद लीव्स पर जो होते हैं कोनीडिया वगैरह बियर होते हैं। कोनीडिया प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन सर्व एज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी इनोकुलम। जो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जो कोनीडिया बियर होते हैं यानी कि डिजीज मैनिफेस्ट होने के बाद सिम्टम्स अपीयर हो जाता है तो चूँकि वहाँ पर कोनीडिया बॉर्न होते हैं ये कोनीडिया जो है बहुत तेज़ी से डिसमिनेट हो जाते हैं, फॉल ऑफ होते हैं और हवा द्वारा पहुंच करके दूसरे प्लांट को इन्फेक्टेड करते हैं। तो सेकेंडरी इन्फेक्शन जो होता है मेनली प्राइमरी इन्फेक्शन से प्रोड्यूस्ड हुए कोनीडिया के थ्रू होता है। दे आर विंड ब्लोन बॉट ऑन द सर्फेस ऑफ द यंग पॉड्स एंड काज सेकेंडरी इन्फेक्शन देयर अपॉन बाई मीन्स ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग जर्म ट्यूब विच पेनिट्रेट्स थ्रू स्टोमेटा एंड गिव्स राइज टू लोकल लेसन्स। ये जो है कोनीडिया वहाँ दूसरे प्लांट तक यानी फील्ड के और प्लांट्स तक पहुँचते हैं और वहाँ पहुँच करके ये जब होस्ट इनको मिलता है तो ये फिर से जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और जर्मिनेशन करके जर्म ट्यूब बना करके दूसरे होस्ट में इन्फेक्शन हाइफी डेवलप कर लेते हैं। इन्फेक्शन हाइफी डेवलप करके फिर जो होते हैं स्टोमेटा के थ्रू जो होता है लोकल लेसन्स दिखाई देने लगता है। पैथोजन जो होता है इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स के सभी उसमें जो होता है एंटर करता है और सेक्सुअल फेज में जो होता है अपनी लाइफ के सेक्सुअल फेज में जो है वो स्पोर्स डेवलप करता है जो कि लेटर आर द पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर एंड सर्व एज सोर्स ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन ड्यूरिंग द नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन। फिर जब प्लांट की होस्ट की लास्ट ग्रोइंग स्टेज में अनफेवरेबल कंडीशन में जो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में के थ्रू जो होता है यानी उगोनिया और एंथीडिया के फर्टिलाइजेशन ट्यूब के द्वारा फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के बाद वू स्पोर डेवलप होता है। ये वू स्पोर्स जो होता है सेकेंडरी इन्फेक्शन के बाद जो वू स्पोर्स बनते हैं ये वू स्पोर्स जो होते हैं ये नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में इन्फेक्शन करने के लिए प्राइमरी इन्फेक्शन के रूप में सोर्स के रूप में ये डेवलप होते हैं और ये जो होते हैं यही पेरिनेशन में पड़े रहते हैं। तो इसके द्वारा ये साइकिल जो होता है नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में वो स्पोर्स के द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज करता है। इस तरह से ये डिजीज जो होता है रिकरेंस इसका चलता रहता है। इसको जो है फिगर के थ्रू समझते हैं। डिजीज साइकिल डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी का जो अगर हम देखें तो ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू बताते हैं, उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी इन्फेक्शन के थ्रू बताएं। इसमें जो असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की साइकिल चलती है असेक्सुअल होस्ट टिशू में जिसमें कि इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो होते हैं पैथोजन अटैक करता है पेरेनोस्पोरा पिसी
और इंटरसेलुलर स्पेसेस, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर नहीं होता है, यानी होस्ट सेल के बीच बीच में जो स्पेसेस होते हैं वहाँ पर ये अपनी हाइफी को भेजता है, और सेल के अंदर जो है फिंगर लाइफ हॉस्टोरिया अंदर एंटर कराता है, जिससे कि ये अपना प्लांट से जो है अपना न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर लेता है और डिजीज कॉज करता है। अंदर पहुँचने के बाद जो होता है ये अपना जो होता है कोनिडियोफोर माइसीलियम, जो कि सिनोसिटिक होती है और ब्रांच्ड होती है और हाईलाइन होती है, वो जो होती हैं माइसीलियम से फिर कोनिडियोफोर डेवलप होता है, जो शुरू में जो होती हैं ये अनब्रांच्ड होती हैं, बाद में 2 या 7 ब्रांचेज में डाइकोटोनामस में डिवाइड होती हैं। डिवाइड हो करके इनकी जो टिप होती है वो नुकीली होती है, पॉइंटेड होती है, जिसको कि स्ट्रिगमेटा कहते हैं या स्ट्रिग्मा कहते हैं। इनकी टिप पर जो है राउंडेड या इलेप्टिकल शेप में कोनिडिया बियर होते हैं, जो कि पेल येलो कलर के होते हैं। ये कोनिडिया बहुत जल्दी फॉल अप हो जाते हैं, क्योंकि एक ही साथ सारे कोनिडिया बनते हैं और एक ही साथ सारे वहाँ से फॉल अप हो जाते हैं। डेसीडुअस टाइप्स के होते हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया ओवल टू इलेप्टिकल शेप में होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं। ये कोनिडिया जो होते हैं वहाँ से डिसेमिनेट होकर के होस्ट तक पहुँचते हैं, और होस्ट सरफेस के पास पहुँच करके जैसे इनको होस्ट मिलता है और फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये कोनिडियम जो है जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेशन स्टार्ट करके होस्ट में, नए होस्ट में जो है इन्फेक्शन हाइफा जो है डेवलप कर लेते हैं। तो वहाँ पर फिर माइसीलियम डेवलप हो जाता है, फिर से ये साइकिल चलने लगती है। जब होस्ट में इंटरसेलुलर हाइफा डेवलप हो जाता है, तब जो होते हैं इनमें जो होता है प्लांट की ग्रोइंग सीजन के एंड स्टेज में, लास्ट की स्टेजेज में, अनफेवरेबल कंडीशन में जो होता है वहाँ पर मेल हाइफा से एंथ्रीडियम और फीमेल हाइफा से ओगोनियम डेवलप होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ये, जो कि एक दूसरे के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं। और ये दोनों जो है प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, दोनों की जब आपस में फ्यूजन होता है तो इनके बीच की वॉल डिजॉल्व हो जाती है और एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बन जाता है। तो फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू जो होता है इनका एंथ्रीडियम का पूरा कंटेंट ओगोनियम में आ जाता है, ओगोनियम के सेंटर में, चूँकि लास्ट में एक ही फंक्शनल न्यूक्लियस बचता है, फीमेल न्यूक्लियस, जहाँ पर कि सबसे पहले इनमें जो होता है ऊप्लाज्म में, स्पियर रीजन में, ऊप्लाज्म में जो है यहाँ पर दोनों का पहले प्लाज्मोगैमी की प्रोसेस होनी तो होती है, यानी दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है, फिर जो है दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज होते हैं और न्यूक्लियस फ्यूज होकर के जायगोट बनाते हैं, फिर जो है मियोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के ओस्पोर फॉर्म होते हैं। ये ओस्पोर्स जो होते हैं, जो ओस्पोर्स बनते हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, 3 लेयर की बनी हुई होती है, जिसकी आउटर वॉल बहुत ही थिक होती है, स्पाइनी होती है, और वो स्पोर्स जो होते हैं रेस्टिंग स्पोर की तरह लंबे समय तक पड़े रहते हैं। यहाँ पर जैसे प्रोसेस दिखाई गई है, जो हमने तीनों प्रोसेस बताई है, प्लाज्मोगैमी यानी दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्स होता है, फिर कैरियोगैमी की प्रोसेस, दोनों का न्यूक्लियस आपस में फ्यूज होता है, ये दोनों न्यूक्लियस जो है फ्यूज हो करके फिर जो है ये डिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाता है, डिप्लॉयड न्यूक्लियस से मियोसिस द्वारा फिर जो होता है ये जो होता है ओस्पोर फॉर्म होते हैं। ये ओस्पोर जो होते हैं जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है और नया होस्ट मिलता है तो ये ओस्पोर जो है जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं, और जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेशन स्टार्ट करके ये नए होस्ट में जो है इन्फेक्शन हाइफा डेवलप करते हैं, जो कि यंग सिडलिंग पर अटैक करके नया इन्फेक्शन हाइफा डेवलप करते हैं, और इन्फेक्शन हाइफा डेवलप करके ये जो होते हैं स्टोमेटा के थ्रू फिर जो है ये कोनिडियोफोर वगैरह बियर करने लगते हैं। तो इस तरह से इनकी असेक्सुअल और सेक्सुअल साइकिल चलती रहती है। इसी को हम अगर स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू अगर समझें तो जो डॉर्मेंट फेज होता है, पेरिनेशन फेज होता है, वो स्पोर्ट्स जो होते हैं इन्फेक्टेड प्लांट डिब्रिजेस सॉयल में पड़े हुए जो रहते हैं पहले पिछले ग्रोइंग सीजन के, वो जब नए ग्रोइंग सीजन में, प्लांट की नई ग्रोइंग सीजन में जब प्लांट तो लगाया जाता है फील्ड में, तो ये वो स्पोर्ट्स जो कि प्लांट डिब्रिजेज में सॉयल में पड़ा रहता है, ये जो है वो स्पोर्ट्स जैसे ही इसको नया होस्ट और नया फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो स्पोर जर्मिनेशन स्टार्ट करता है, जर्म ट्यूब बनाता है, और सीडलिंग में फिर इन्फेक्शन करके जो है सिस्टमेटिक ग्रोथ करके माइसीलियम डेवलप करता है। सिस्टमेटिक ग्रोथ का मतलब है सेल वाया सेल एक जगह से एंटर होकर के सेल वाया सेल पूरे प्लांट में इन्फेक्शन हाइफा फैला लेना।
और इंटरसेलुलर स्पेसेस में फैल जाता है और अपना हास्टोरिया यानी कि फिंगर शेप्ड हास्टोरिया होस्ट सेल के अंदर पहुंचा करके वहां से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता है और होस्ट में इन्फेक्शन मैनिफेस्ट हो जाते हैं और सिम्टम्स अपीयर हो जाता है। और इसकी लास्ट ग्रोइंग सीजन में जो होता है, अर्ली ग्रोइंग सीजन में जो है, जो माइसीलियम होता है उससे कोनिडियोफोर डेवलप होते हैं, कोनिडिया डेवलप होते हैं, लेकिन लास्ट ग्रोइंग सीजन में जाकर इससे वू स्पोर डेवलप होते हैं जो अगले नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन के लिए, ये वू स्पोर्स जो होता है प्राइमरी इन्फेक्शन के लिए जो होता है सोर्स के रूप में काम करता है, जो कि रेस्टिंग स्पोर के रूप में तक पड़ा रहता है। और जो प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद जो प्राइमरी इन्फेक्शन से कोनिडियोफोर या कोनिडिया डेवलप होते, ये कोनिडिया जो होते हैं ये सेकेंडरी इन्फेक्शन करते हैं, यानी वहाँ से डिसेमिनेट होने के बाद ये फील्ड के और प्लांट तक पहुँचते हैं, वहाँ पर जर्म ट्यूब बना करके जर्मिनेशन स्टार्ट करते हैं और नया होस्ट हाइफी को जो है डिजीज मैनिफेस्ट करते हैं और सिम्टम्स अपीयर हो जाता है। इस तरह से इसकी प्राइमरी इन्फेक्शन साइकिल में जो इनोकुलम होता है वो स्पोर होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल के लिए जो इनोकुलम होता है वो कोनिडिया होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन साइकिल कोनिडिया के थ्रू चलती है, और प्राइमरी इन्फेक्शन साइकिल पिछले ग्रोइंग सीजन के जो वू स्पोर्स होते हैं जो प्लांट डिब्रीजन में पड़े रहते हैं उनके द्वारा प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज होता है। इस तरह से इसकी डिजीज साइकिल चलती है पेरेनोस्पोरा पीसी की। इसके प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स जो होते हैं पैथोजन के, यानी कि कौन से ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसके द्वारा कि डिजीज आसानी से जो होता है ये मैनिफेस्ट हो जाती है, तो इसके लिए जो होता है बहुत ही मॉइस्ट वेदर कंडीशंस, कूल एंड मॉइस्ट वेदर कंडीशन जो होती है वेरी मच फेवर द डिजीज इंसिडेंस, वाइल द लेटर स्लोड डाउन द कंसिडरेबली इफ द कंडीशन टर्न टू वार्म एंड डाउन। यानी कि जब एकदम ठंडा मौसम हो, मॉइस्ट हो, तो वेदर में डिजीज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से फैलता जाता है, और जब एकदम ड्राई और हॉट सीजन हो यानी कि समर का सीजन हो तो उस समय डिजीज को बढ़ने नहीं देता है। ये पैथोजन की जो मल्टी होस्ट नेचर से डिजीज और अधिक पड़ता है, क्योंकि इसका होस्ट केवल जो होता है पी यानी पाइजम सटाइबम ही नहीं होता, बल्कि इसके अलावा लेथाइरस, बीसिया, बहुत सारे ऐसे वाइल्ड स्पीसीज भी होते हैं जिसकी वजह से डिजीज का मैनिफेस्टेशन और रिकरेंस जो होता है वो बढ़ता है। मैनेजमेंट इसका जो होता है, मैनेजमेंट यानी कि डिजीज का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सिंस द पैथोजन पेरिनेट्स इन सॉयल इन द फॉर्म ऑफ वू स्पोर्स विच इंजॉय लॉन्ग रेस्टिंग पीरियड, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर्स प्लांट डिब्रीजेज एंड पार्टिसिपेटिंग क्रॉप रोटेशन फॉर एटलीस्ट 2 or 3 years एंड वेरी इफेक्टिव कंट्रोल मेजर ऑफ द डिजीज। यानी चूंकि ये जो पैथोजन होता है सॉयल में, पेरिनेशन इसका वू स्पोर के द्वारा होता है और लंबे समय तक ये जो होता है वू स्पोर के फॉर्म में सॉयल में पड़ा रहता है। चूंकि इसका अगर हम वू स्पोर को यानी वहाँ पर फील्ड में पड़े हुए जितने भी प्लांट डिब्रीजेज हैं उनको इकट्ठा करके अगर जला दें तो उसमें प्लांट डिब्रीजेज ना रह जाएंगे, ना ही वू स्पोर्स बचेंगे, तो हम आसानी से जो है डिजीज को कॉज होने से रोक सकते हैं। इसके अलावा 2 से 3 साल का जो है क्रॉप रोटेशन अगर हम करें तो भी हम जो है डिजीज को कॉज होने से रोक सकते हैं। सैनिटेशन इरेडिकेशन की प्रोसेस में चूंकि इसके लेथाइरस, बीसिया जैसे वाइल्ड प्लांट्स भी इसके होस्ट होते हैं, इसलिए जो होते हैं फील्ड के आसपास या फील्ड में वाइल्ड प्लांट्स जो है ग्रो ना होने दें, अगर ग्रो होते हैं तो उनको उखाड़ करके फेंक कर दें या जला दें, जिससे कि डिजीज कॉज होने डिजीज को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। और क्रॉप रोटेशन 2 से 3 साल का अगर हम क्रॉप रोटेशन करें तो ये इफ़ेक्टिव कंट्रोल होता है डिजीज से बचने के लिए। अटेम्प्ट्स द कंट्रोल द डिजीज बाई स्प्रेइंग एंड डस्टिंग पी प्लांट विद फंजीसाइड्स हैव नॉट इट प्रूव सक्सेसफुल एंड इकोनॉमिकल अंडर फील्ड कंडीशन। डिजीज कंट्रोल की एक तो हो गया कि अगर हम सैनिटेशन इरेडिकेशन की प्रोसेस अपनाएं, कल्चरल प्रैक्टिसेस को अच्छे से करें और डेड डिकेइंग और सॉरी जो वहाँ पर प्लांट डिब्रीजेज हैं उसको जो है बटोर करके जला दें, और क्रॉप रोटेशन अगर हम करते हैं 2-3 साल का, तो ये कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा हम डिजीज को
लगने से पहले ही वहाँ से डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। अगर डिजीज कॉज हो जाती है तो वहाँ पर जो होती पैथोजन को ख़त्म करने के लिए, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो है डिजीज को ख़त्म करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डिजीज को, वहाँ पर फंजीसाइड्स को स्प्रे करें या डस्टिंग करें उनके पी प्लांट्स पर, तो इसके द्वारा भी जो है डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू।